हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल डी फार्मेसी नोट। दिस वीडियो इज डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। सब्जेक्ट है हमारा आज का सोशल फार्मेसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे सोशल फार्मेसी में इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी। फार्मेसी का इंट्रोडक्शन, जो सोशल फार्मेसी आपका न्यू सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है डी फार्मा में, और इसके क्या क्या रोल हैं। इसमें फार्मासिस्ट के बहुत सारे रोल हैं। एग्जाम देने के बाद आप लोग क्लियर कर लोगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाओगे, तो फिर आपको ये इसके बारे में जानकारी बहुत होनी चाहिए। और अभी तो एग्जाम को क्लियर करने के लिए, डिफार्मा में पास होने के लिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए बताते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कहा जाएगा कि लिखना है आपको, 6 नंबर में दे दिया जा सकता है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन होएगा आपका लॉ, उसमें कह दिया जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी का पूरा इंट्रोडक्शन देना है। ओके, और शॉर्ट क्वेश्चन में आपके ये अलग से, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ऐसे ही करके बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिना देर किए हुए, क्योंकि आपकी दीदी देती है सभी लोगों के कमेंट का रिप्लाई। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्योंकि नहीं तो बारिश होने लगेगी, फिर आवाज क्लियर नहीं आएगी। ओके, देखिए डेफिनेशन आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी का। द डिसिप्लिन दैट डील विद द मेडिसिन एंड रोल बाय द कंसिडरिंग द सोशल साइंटिफिक ह्यूमेटिक प्रिस्क्रिप्शन द टर्म इज सोशल फार्मेसी। तो देखिए, हिंदी में समझा जाए तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में डेफिनेशन लिख लेंगे और हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में। देखिए, जो सोशल फार्मेसी है वो डिसिप्लिन है, मतलब कि एक एकता है, अनुशासन जिसे डिसिप्लिन में बोलते हैं। तो एक मेथड है जिसमें दवा के बारे में जानकारी होती है और उस दवा को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, इसके बारे में सामाजिक, वैज्ञानिक एवं मानवता के उपचार को ठीक करने के लिए जो तरीका होता है, उसी को सोशल फार्मेसी के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, मतलब उसकी डेफिनेशन दी गई है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दवाओं को कैसे यूज करना है, उनकी क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस सभी के बारे में जानकारी सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से जानकारी देना समाज में, उसी को सोशल फार्मेसी कहते हैं। जैसे सोशल साइंस हम लोग का सब्जेक्ट होता था ना क्लासेस में, स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज स्कूल लाइफ में, वैसे ही सोशल फार्मेसी एक सब्जेक्ट है। और जिसे शायद धीरे धीरे स्टूडेंट वाले क्लास लाइफ में इंक्लूड किया जाएगा। ओके, और सेकंड पॉइंट आपको डालना है ऐसे, और फिर लिखना है आपको, और इसमें इंक्लूड रहता है, इट इंक्लूड हेल्थ, साइकोलॉजी एंड ऑल द सोशल फैक्टर इंक्लूडिंग टी है या ओके यहाँ पे ऑफ द मेडिसिन। और यहाँ पे बताया गया है सोशल फार्मेसी में मनुष्य के स्वास्थ्य और उसकी मानसिकता के बारे में बताया गया है कि उसको दवा का यूज सही ढंग से कैसे करना है। ओके, और इसमें ये इंक्लूड है मेडिसिन का यूज कैसे करना है सोशल फार्मेसी में। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। इतना तो हो गया आपका डेफिनेशन। ओके, इतना डेफिनेशन आपको लिख देना है और आपकी एग्जाम कॉपी में आपको ऐसे ही सेम लिखना है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी दीदी आपका हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार है, बस आपके लव की जरूरत है, आपका लव और हमारा सपोर्ट साथ रहेगा। ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव में, इसको शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्क कर दिया है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में सोशल फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको क्या लिखना रहेगा, आपको ऐसे ही लिखना रहेगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। टू डिटरमाइन एंड कंपेयर द डिफरेंस एक्सटेंट एंड डेप्थ एजुकेशन ऑफ सोशल फार्मेसी। अगर किसी व्यक्ति को फार्मेसी के बारे में जानकारी है तो उसे चेक करना है, मतलब डिटरमाइन करना है, कंपेयर करना है कि उसे सही जानकारी है या नहीं। जैसा कि हमारे एजुकेशन में, देखिए आप इंग्लिश जो हिंदी में स्टूडेंट लिख रहे हैं वो इंग्लिश का भी वर्ड यूज करें, जैसे कि मैंने अंडरलाइन किया है जो वर्ड उनको यूज कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को फार्मेसी के बारे में जानकारी है तो उसे चेक करें, उसके एजुकेशन को, जो उसका एजुकेशन है उसको चेक करें और उसमें देखें उसको, उसी तरह जैसा कि हमारे एजुकेशन सोशल फार्मेसी में बताया गया उसी तरह है या नहीं। इट इज आ सोशल फार्मेसी, इसी को कंपेयर करना है और उसी को क्या कहते हैं, सोशल फार्मेसी। तो आप इसको लिख सकते हैं, इट इज अ सोशल फार्मेसी। ओके, सेकंड नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है।
टू एनालाइज द सोशल फार्मेसी एजुकेशन, जो हमारी सोशल फार्मेसी एजुकेशन है उसको एनालाइज करना है, मतलब कि जो एजुकेशन रेगुलेशन के अंडर में जो पीएससीआई ने बनाई है उसको कंपेयर करना है, उसे समझना है। एनालाइज करना मतलब समझना, सही तरीके से एनालाइज करना है सोशल फार्मेसी को, समझना है सही तरीके से एनालाइज करना है सोशल फार्मेसी को, ओके पढ़ना है। अब थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, टू ऑब्जर्व द रेंज एंड स्कोप टीचिंग सब्जेक्ट, मतलब कि उनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, जो रेंज है मतलब कि जिनको जानकारी होनी चाहिए उनके क्या फायदे हो रहे हैं। सभी मनुष्य को समझना चाहिए सोशल फार्मेसी के बारे में और यह क्लास में इंक्लूड होना चाहिए यह सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे यही लिखा हुआ है सभी स्टूडेंट्स को, मतलब कि रेंज छोटे बच्चों को भी इन सब्जेक्ट्स को ऐड करना चाहिए, रेंज स्कोप मतलब कि छोटे से बच्चे रेंज जो भी हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए उनके सब्जेक्ट्स में सोशल फार्मेसी, ओके। फोर्थ पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HCR, इसको आपके मल्टीपल चॉइस में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ऐसे दिया रहेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है HCR, तो आपको याद रखना है हेल्थ सर्विस रिसर्च, ओके इसका फुल फॉर्म है HCR का, हेल्थ सर्विस रिसर्च। अब आइए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव में आपको क्या लिखना है। फिफ्थ पॉइंट देखिए सोशल फार्मेसी एजुकेशन, सोशल फार्मेसी को एजुकेशन करने से क्या फायदा होगा और क्या जानकारी होगी। सोशल फार्मेसी एजुकेशन इज सिस्टम फॉर सब्जेक्ट इन विच वी एजुकेट हाउ टू यूज ड्रग, हाउ टू ट्रीट द डिसीज, व्हाट आर द प्रिवेंशन द डिसीज, हाउ टू मैनेजमेंट फार्मेसी। देखिए सोशल फार्मेसी को पढ़ने से क्या होगा, सोशल फार्मेसी को पढ़ने से उसके सिस्टम के बारे में जानकारी मिलेगी, उसको कैसे उसके सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ जानकारी मिलेगी और कैसे यूज करना है दवा को और कैसे ट्रीट करना है किसी बीमारी को और कैसे बचना है किसी भी बीमारी से, जैसे कि कोई भी बीमारी डेंगू लक्षण या सब कुछ हो जाता है, तो इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी कहाँ पे, सोशल फार्मेसी एजुकेशन के अंदर, ओके। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट, हम लोग फार्मासिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, तो हमारा रोल, हमारे लोग स्टडी करने के बाद ट्रेनिंग वगैरह कम्प्लीट करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो एक हो जाएंगे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो फिर क्या हमारा रोल क्या रहेगा, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन लिखा रहेगा रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है रोल ऑफ फार्मासिस्ट के अंडर में पॉपुलेशन, मतलब कि जनसंख्या को कंट्रोल करना, ओके पॉपुलेशन। द रोल ऑफ फार्मासिस्ट फर्स्ट रोल दैट टू इन एजुकेट द पॉपुलेशन ऑफ देयर कम्युनिटी ऑफ पॉपुलेशन, द शुड वी हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ETC, मतलब कि कैसे एक फार्मासिस्ट सभी को जानकारी दे के उनको सभी को बता के कंट्रोल कर सकता है पॉपुलेशन को, ओके और उनके यूजेस के बारे में। ETC बहुत सारे यूजेस हैं, सभी लोग को पता होगा, ओके। आइए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम, तो कोई भी बीमारी फैली हुई है तो उसे कैसे कंट्रोल करते हैं। देखिए द सेकंड फार्मासिस्ट रोल, हाउ टू अवॉइड डिसीज एंड कंट्रोल डिसीज एंड डिफरेंट रोल ऑफ मेडिसिन, मतलब कि सेकंड रोल है फार्मासिस्ट की, कैसे किसी बीमारी से बचा जा सकता है और कैसे काम करती हैं मेडिसिन, अलग अलग बीमारी में कौन सी मेडिसिन काम करती हैं इसके बारे में जानकारी देना, ओके। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू ड्रग पॉलिसी, जैसे कि द फार्मासिस्ट इन्फ्लुएंस एज पॉजिटिव ड्रग पॉलिसी लाइक वैक्सीनेशन पोलियो, जैसे कि कोई नई दवा आई है, जैसे कि हमारा ये कोरोना का वैक्सीन ही हो गया, तो पहले कोई भी नहीं लेना चाहता था, ठीक है, तो उसके बारे में सभी, अगर कोई भी न्यू डिसीज आई है उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसकी दवाई को उपयोग करने के लिए, उसको यूज करने के लिए एक फार्मासिस्ट को जानकारी देनी चाहिए, उसके बारे में अच्छी जानकारी देनी चाहिए उस नई दवा के बारे में, जैसे कि कोरोना वैक्सीनेशन पोलियो वगैरह हो गया। तो ये हो गया थर्ड रोल
फार्मासिस्ट का। अब आइए फोर्थ रोल देखते हैं फार्मासिस्ट का कि क्या होता है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, अगर आपका कोई फ्रेंड है। अगर फ्रेंड नहीं है तो कोई बात नहीं। इस नंबर में लिखा हुआ है डेवलप गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया ऑफ द फॉर्मुलेशन। जैसे कि कोई भी मेडिसिन है उसका डेवलपमेंट कहाँ कैसे यूज करना है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। द फार्मासिस्ट द डेवलप गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मुलेशन द यूज ऑफ ड्रग इस पर्सन एंड एज एरिया मेल या फीमेल किसे यूज करना है दवा को। एक फार्मासिस्ट का रोल होता है कि जैसे कि आप अभी मान लीजिए डी फार्मा सेकेंड ईयर में आएंगे तो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे ऑफकोर्स, ओके। तो आपका ट्रेनिंग कहीं पे भी गवर्नमेंट ही हॉस्पिटल में होगा तो, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत से अच्छे लोग भी आते हैं, मतलब कि रिच लोग, और बहुत से पुअर लोग भी आते हैं, मतलब कि गरीब लोग भी आते हैं। तो फिर उनको नहीं पता होता है कि कैसे दवाई को यूज करना है, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग करी हुई तो मुझे पता है, मैंने देखा है ऐसे लोगों को और मिला है, बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत ही अच्छा टाइम होता है वो हमारे ट्रेनिंग का। हम लोग को बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं और हमारे जो टीचर्स रहते हैं फार्मासिस्ट उनसे भी मिलने का मौका मिलता है और वो टीचर्स हम लोग को बहुत ही अच्छे से बताते हैं। मैंने तो हैप्पी लाइफ में अपने टीचर्स के साथ कैटवॉक किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। हैप्पी लाइफ करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो हैप्पी लाइफ में जो ब्लैक सूट पहन के हैं वो मेरी मैम थी और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और सर भी थे, दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक फार्मासिस्ट को डेवलपमेंट उनको कितना, मतलब कि उस दवा को कैसे कितनी बार यूज करना है, कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे मलहम का यूज करना है, कैसे खाना है, कितनी बार खाना है, खाली पेट खाना है या कैसे खाना है, कितनी बार खाना है, ये अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग आते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हम लोग की ट्रेनिंग हुई तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे बूढ़े लोग आते हैं जिनको अच्छे से समझाने की जरूरत होती है। और आपको कभी भी ऐंठ नहीं दिखाना चाहिए, जैसे कि मैंने वहां पे देखा हुआ बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो ऐंठ दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती थी, इसलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट को यही बताऊंगी कि हमें जब हमें एक मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर सरकार के अंदर दवा देने का हक मिला है तो फिर हम क्यों ना दें और क्यों ना किसी की सहायता करें। तो सभी लोगों को एकदम अच्छे से हृदय से उनकी हेल्प करनी चाहिए सभी की, और सभी को नॉलेज देना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक अच्छी जगह पे पहुंचे रहते हैं तो उसका यूज करना चाहिए अच्छे तरीके से, ओके। सभी लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग को हैंडल करना है अपने ट्रेनिंग के टाइम। आप लोग ये बात याद रखिएगा, अभी फर्स्ट ईयर में हो, फिर सेकंड ईयर में जाओगे फिर जाके आपकी ट्रेनिंग होगी, ओके। तब तक याद रखना है अपनी दीदी की बात। अब आइए सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, दवाओं को मैन्युफैक्चरिंग करना, मतलब कि जो दवाइयां बनती हैं उसे कौन बनाता है, हम ही लोग तो बनाते हैं, एक फार्मासिस्ट ही बनाता है, ओके। तो देखिए आपको क्या लिखना है, द फार्मासिस्ट रोल ऑफ द से यहाँ पे लिखना है मेक ड्रग एंड डिस्पेंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। मतलब कि देखिए एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, दवाओं को बनाना, ड्रग को मेक करना और डिस्पेंसिंग, मतलब कि जो पर्चे आते हैं डॉक्टर्स के और फिर हम लोग देते हैं दवाइयाँ, वो कौन, उसका क्या काम होता है, वही होता है डिस्पेंसिंग, पर्चे को देख के दवा देना, डिस्पेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके। और दवा को कितने टेम्परेचर पे रखना है, क्या कूल टेम्परेचर है या नॉर्मल टेम्परेचर है, क्या प्लेस है, ये सब भी अच्छे से, मतलब कि दवा की केयर करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सब एक फार्मासिस्ट के अंडर में आता है। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं द फार्मासिस्ट रोल है कि दवा को बनाना और कितना टेम्परेचर ताप होना चाहिए, क्या प्लेस होनी चाहिए, क्या जगह होनी चाहिए और कैसे किस मरीज को कितनी क्वांटिटी में दवा देनी है, क्या एज होनी चाहिए, बच्चे को देना है तो कैसे कितनी दवा देनी है, बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों को, क्योंकि बहुत से ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे गलत डोज दे दी जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और ये हम लोग जब नए नए रहते हैं तो ये सब ध्यान देना और सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ ये सेवन टॉपिक, आपके सेवन पॉइंट्स रोल ऑफ फार्मासिस्ट के और पूरा सोशल फार्मेसी इंट्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर कोई भी आपका क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो इसी
वीडियो के नीचे आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसे शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइज़।